नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। एक और जहां योगी सरकार ने दावा किया है कि कोई भी गरीब परिवार भूख से ना मरने पाए और इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को कड़े निर्देश भी जारी कर रखे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं आगरा के ग्राम नगला विधि चंद की, जहां लॉकडाउन के चलते एक गरीब परिवार की बच्ची ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। ये परिवार बेलदारी कर अपना पेट भरता था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उनकी रोजी रोटी छिन गई, जिस कारण वो परिवार भूखे मरने के लिए मजबूर हो गया। उसने संबंधित अधिकारियों से इस आशय से काफी गुहार लगाई कि शायद उसको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए और उसके बच्चे भूखे मरने से बच सकें, लेकिन अफसोस कि उसका दर्द किसी भी अधिकारी ने नहीं समझा और आखिर वही हुआ जिसका डर था। उसकी बच्ची ने भूख से तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना ने पूरे गाँव को झकझोर कर रख दिया। जब इसकी जानकारी हमारे न्यूज चैनल के नेशनल कोऑर्डिनेटर राम खिलाड़ी शर्मा को हुई तो उन्होंने अविलंब उस गांव में पहुंच गए और वहां का नजारा देख वो भी दंग रह गए। जहां उस स्थान पर उपस्थित एक बाल योगी ने उनको उस परिवार की पूरी कहानी से अवगत कराया, जो वाकई दिल को झकझोर देने वाली है। देखिए बाल योगी द्वारा बताई गई हकीकत इस वीडियो में। एक ग्राम पंचायत पड़ती है नैनाना जाट और उसमें एक छोटा सा गाँव है नगला विधिचंद। वहां पर भी एक परिवार के लॉकडाउन जब से लगा तो मैया बाप को काम दोनों उनको छूट को बेलदारी करते थे। काम छूटा तो बेचारों को अनाज की दिक्कत आई खाने पीने की, तो बेचारे इधर उधर भटकते रहे। पड़ोसियों ने 4-6-10 दिन दिया, अरे पुलिस ने रोटियां तक लिए उन लोगों को दी। और इसी बीच में एक महीने पहले टोरेंट पावर कंपनी वाले आए, लाइट वाले, और लाइट काट करके चले गए। वो गिड़गड़ाते रहे, भैया लाइट मत काटो, हम पैसा दे देंगे। नहीं माने काऊ की और लाइट काट के चले गए। भाई जा गर्मी में, लॉकडाउन जैसी गर्मी में जहां सड़क अपना डाबर छोड़ रही है, वह बेचारी की बहन बीमार रह गई। अरे बीजना से प्यार कर रहे हैं पूरा परिवार और उसको उल्टी दस्त हुए, भूख की कोई इंतजाम नहीं रोटी का। और धीरे धीरे उसने पल पल में अपनी दम तोड़ी और 5-7 दिन भूखे रह करके मर के तब मरी उल्टी दस्तों से। आ जाओ सुविधा, लैट्रीन बांट रहे थे तुम तो, शौचालय आ जाओ। कहाँ है, यहाँ तो कोई शौचालय नहीं है, इसका नहीं है। आ जाओ, चलो देखते हैं, आ जाओ। गैस पहुंच गई होगी तुम्हारी उज्ज्वला योजना की। आ जाओ आ जाओ, ये देखो ये गैस है तुम्हारी, ये चूल्हा आज भी, ये लकड़ियों से रोटी हो रही है। अगर चौमासे में गीली हो गई तो रोटी नहीं बनती होगी उसके यहाँ। आ जाओ सुविधाएं दिखाते हैं, कितना बड़ा इसका मकान है, ये देखो प्लास्टर तक नहीं है, पूरा काला पड़ रहा है। आ जाओ और दिखाते हैं तुमको, इनके पास सुविधाओं में बड़े एसी फ्रिज कूलर होंगे। आ जाओ ये देखिए, ये सुविधाओं के नाम पे 2 वाट का बल्ब है इनके पास में, केवल 2 वाट का बल्ब दे रहा। अरे 100 वाट का लगाते थे हम लोग तब भी हम लोग खुश रहते थे, तो हमने 2 वाट का बल्ब कर दिया, तब भी इसके घर में कुछ नहीं है। जब बेटी मर गई तब आए हैं प्रशासन और शासन के लोग और क्या दे रहे हैं पता है, 50 किलो आटा, 40 किलो दाल, इससे जिंदगी काट लें तुम्हारे, और 500 रुपया का सहयोग दे रहा किसके पीपे, सब पलस्तर पड़े हुए हैं इसके। थोड़ा शर्म आनी चाहिए तुम्हारी सरकारें, ज्यादा दिन नहीं चलेंगी अगर ऐसा करोगे। लॉकडाउन अवधि का बिल नहीं दे पाएंगे, इस परिवार की मदद करो, और नहीं तो हम लोग तुमको पूरे आगरा से नहीं पूरे सब जगह से तुमको नंगा करके भगाएंगे। आइए उसके परिवार से भी मिल लीजिए आप, आइए। वो बेटी जिसका जिसकी बहन गई है, उसकी माँ जिसका जिसकी बेटी थी, ये है, ये और बची है, अब इसका जीवन भी ले लेंगे आप। बेटा क्या बात थी बता, लॉकडाउन में हमारी लाइट को काट गए थे, हमारे लिए कुछ ही नहीं, लॉकडाउन हमारी लाली की तबीयत खराब हुई थी, मम्मी पापा ने काम नहीं चला था, भूखी प्यासी खत्म हो गई थी, अब अभी ना तो प्यार करते थे अपनी लाली की, कुछ भी नहीं है, लाइट भी बोला था।